बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लगातार कुछ लोग और मीडिया मुंबई पुलिस पर सवाल उठा रहे थे कि आखिर मुंबई पुलिस इतना ढीले जांच क्यों कर रही है, आखिर मुंबई पुलिस इसमें तेजी क्यों नहीं ला रही है, मुंबई पुलिस किसको छुपाना चाह रही है, किसको बचाना चाह रही है। और इसमें लगातार बॉलीवुड की एक गैंग और जो कुछ मीडिया है वो लगातार इस बात को उठा रहे आ रहे थे, लेकिन अभी वो सब खामोश हो गए। आखिर वो सब कहाँ चले गए हैं, आज इसी बात पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमए नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब मुंबई पुलिस के हाथ में सुशांत सिंह राजपूत की केस थी और मुंबई पुलिस जाँच कर रही थी, तो मीडिया और एक बॉलीवुड के गैंग के द्वारा लगातार ये सवाल उन पर किया जा रहा था मुंबई पुलिस पर कि आखिर मुंबई पुलिस इतना धीरे जाँच क्यों कर रही है, आखिर मुंबई पुलिस किसको छुपाना चाहती है, किसको बचाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दूं तो सीबीआई कितने दिन से इसमें काम कर रही है, लेकिन अभी तक सीबीआई कुछ भी जो है प्रूव नहीं कर सकी है, सीबीआई के हाथ कुछ भी नहीं लग सका है। और अगर हम कहें सीबीआई की जांच मुंबई पुलिस से भी सुस्त है तो कोई गलती नहीं होगा। तो आखिर अब वो सवालों की जो गैंग थी, जो सवाल की झड़ी लेकर आ जाते थे, वो कहाँ चुप होकर बैठ गई है, आखिर उनके मुँह में अब दही क्यों जम गया है, अब सीबीआई पर ये सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहे हैं कि सीबीआई किसको बचाने की कोशिश कर रही है, सीबीआई किसको छुपाने की कोशिश कर रही है, फिर सीबीआई की जांच इतनी ढीली क्यों है, सीबीआई क्यों नहीं इस केस को जो है तेजी से आगे बढ़ाती है। लेकिन अब वो गैंग नहीं बोलेंगे, अब वो मीडिया नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका मकसद सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना नहीं, अपना एजेंडा चलाना था, अपना जो व्यक्तिगत दुश्मनी है उसको बाहर लाना था। तो कहीं ना कहीं जो सवाल पूछने वाली गैंग थी या फिर जो मीडिया उस समय बहुत जोर जोर से कह रहे थे कि हम सुशांत सिंह के लिए न्याय के लड़ रहे हैं, तो आखिर वो कहाँ चली गई है। अगर हम बात करें सिर्फ सीबीआई की तो गलत होगा, ईडी भी इतने दिनों से इस केस में जांच कर रही है लेकिन अभी तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाई है, ईडी के पास भी कुछ नहीं मिला है, ईडी भी किसी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई है। तो आखिर ईडी क्यों नाकाम हो गई, ईडी क्यों अपना इतने धीरे इस केस को चला रही है, अगर नहीं कुछ मिला है तो ईडी केस को बंद क्यों नहीं कर रही है, अगर मिला है तो कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही है। तो अब ये सवाल पूछने वाले गैंग कहाँ चले गए, अब ईडी पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो, क्या तुम भी बिके हुए थे, तुम भी पेड क्वेश्चन पूछने वाले थे, सवाल तो उन पर भी उठेगी लेकिन उठाएगा कौन, क्योंकि मीडिया को कहाँ फुर्सत है, मीडिया भी तो उसी लिस्ट में आते हैं, मीडिया भी तो वही कर रहे थे। लेकिन अब सीबीआई एनसीबी पर कोई सवाल नहीं उठाएगा क्योंकि ये तो केंद्र सरकार के अधीन है, ये तो बहुत अच्छा काम करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। लेकिन जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी तो मुंबई पुलिस बचाने की कोशिश कर रही थी, अरे शर्म करो, जब मुंबई पुलिस उतने दिन लगाकर जांच कर रही थी तो सवाल उठाने वाले अब तो मुंबई पुलिस से ज़्यादा सीबीआई और ईडी को हो गया है, तो अब क्यों सवाल नहीं कर रहे हो, अब कहाँ तुम मुँह में दही जमा कर बैठे हुए, अब सवाल करो, अब मुँह में बोली क्यों नहीं निकल रही है। लेकिन किसी को परा नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, जो लोग उस समय सवाल उठा रहे थे उनका मकसद ये नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, उनके हथियारा अगर कोई है तो उसका पता चले, उनका अपना एजेंडा था, अपना टीआरपी था, अपना पब्लिसिटी था और उसी के लिए ये सारा चीज़ किया जा रहा था। अब तो उनके बहन, यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन भी शांत हो गई है, अब उनको भी कोई चिंता नहीं है, केस कितना दिन भी चले, 4 साल 5 साल कोई मतलब नहीं है, सब अब चुपचाप से बैठ गए हैं, अब बस सिर्फ एनसीबी हो रहा है, किसी का कोई मतलब नहीं रहा सुशांत सिंह राजपूत के केस से। तो ये सब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपना खास मकसद, खास अपना प्रोपेगेंडा चला रहे थे। तब भी मैंने ये सवाल उठाए थे और उस समय भी मुझे कई लोगों ने कहा था कि तुम नहीं चाह रहे हो कि सुशांत सिंह के न्याय मिले, तुम भी मुंबई पुलिस के साथ मिले हुए हो, लेकिन अब वो लोग नहीं बोलेंगे तो क्या सीबीआई और ईडी भी या मुंबई पुलिस के साथ मिल गई है। तो जवाब इस पर किसको देना है, उस सवाल गैंग को देना है, अब सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, इस पर आपका क्या रिएक्शन, क्या आप भी मानते हैं कि अब सुशांत सिंह राजपूत का न्याय दिलाने का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया है। तो हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर नए अपडेट के साथ, बने रहे एएमए नेटवर्क पर। नमस्कार, धन्यवाद।